given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business. Guys, and welcome to another video. And today's video is a little different because आज बहुत अब वीडियो अलग नहीं होने वाली, सर्वाइवल सीरीज है। बस आज मैंने कुछ अलग करा है और मैंने फिर से शेडोज डाल दिया बिकॉज यार शेडोज अच्छा दिखता है। लाइक बंदे कमेंट करते जा रहे हैं शेडो 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 शेडो, पता नहीं क्यों। तो यार मैंने सोचा चलो शेडोज यूज ही करके रहते हैं। तो गाइस आज के एपिसोड में गाइस देख रहे हो 35 लेवल से मेरे। एंड अगर मैं आपको सरप्राइज दिखाऊं तो कल के एपिसोड में मैंने पिछले एपिसोड में मैंने बोला था कि नेक्स्ट एपिसोड में डायमंड आर्मर बनाने वाले हैं। 3 2 1 वो 42 डायमंड जो कि मैंने अपने पिकैक्स से माइन करे हैं, फॉर्च्यून 3 अनब्रेकिंग 3 एफिशिएंसी 4 वाली पिकैक्स है जिसे मैंने लास्ट एपिसोड में ही बनाया था अगर आपको याद नहीं है तो। एंड यप आज हम नॉर्मल बनाने वाले, तो यप उसे एनचैंट भी करने वाले हम, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम गाइस गॉड बनने वाले हैं आज। यार मुझे ना एक स्टोरेज सिस्टम बनाना पड़ेगा, ये स्टोरेज सिस्टम ना काफ़ी कम पड़ रहा है देखना। लाइक मेरे पास इतना सामान है ना, वाई आई एम सो अमीर यार ना, आई एम सो अमीर। लाइक अभी तक कुछ ही एपिसोड्स हुए, लाइक 8 एपिसोड्स हुए हैं माइनक्राफ्ट के, और क्या क्या कर लिया भाई हम। मैंने घास घास टीयर लिए, गन पाउडर, डायमंड्स देखो कितने हो गए मेरे। एंड भाई लाइक हम ना स्पीड रन कर रहे हैं इस गेम को फिलहाल, एंड बाद में हम जब से जैसे हम विदर वगैरह मारेंगे ओके, तो अब इसको करने में काफ़ी सुकून होने वाला है। एक चेस्ट प्लेट और एक लेगिंग्स और एक बूट सा, ओके। तो कितना डायमंड्स बचे? 18 डायमंड्स बॉयज ऑफ, 18 डायमंड्स। अभी इन सबको एंचेंट कर लेते हैं जी हाँ, और एंचेंट भी तो करना है, तो 35 लेवल से इनका यूज़ करना है। हमारे निंजा स्वॉर्ड में काफ़ी खतरनाक एंचेंट होंगे, इनको एंचेंट करने को अब आना है। लैपिस नहीं ले आया भाई, लैपिस लजूली कम हियर, कम हियर लैपिस लजूली, देयर आर यू, हियर आर यू। वाओ ग्रैनी, सस्ता ग्रैनी बन रहा हूँ मैं तो। अगर आपने ग्रैनी वाली वीडियो नहीं देखी मेरी, जाके देखो, मज़ा आया, बहुत कॉमेडी मूवी वीडियो है, जाके देखो। सस्ता ग्रैनी है मेरा गाइस, सस्ता ग्रैनी। ओके 3 से एंचेंट कर देते हैं, क्या मिला इसमें? रेस्पिरेशन 3। देखो रेस्पिरेशन 3 का जो यूज़ होता है वो तो है पानी के अंदर, राइट। तो पानी के अंदर ज़्यादा मैं रहने नहीं वाला हूँ वैसे। हाँ ट्राइडेंट ढूंढने तब शायद जरूरत पड़ेगी, लेकिन आई डोंट थिंक सो रेस्पिरेशन 3 की सब जरूरी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास इवन वो भी होंगे लाइक क्या बोलते हो उनको यार, वाटर ब्रीथिंग के पोर्शन बनाऊंगा मैं तो ले लेता हूँ ना, इसके साथ कुछ और आ जाए तो रेस्पिरेशन 3 ले रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ। शिट भाई साहब, लाइक अब मैं लिटरली खतरनाक ऑलरेडी बन चुका हूँ लाइक। ओके अब मैं चेस्ट प्लेट करता हूँ, चेस्ट प्लेट मोर इम्पॉर्टेंट है देन इसको। ओके क्या मिल रहा है? प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4 जो कि मैग, ओके क्या मिल रहा है? प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4 जो कि मैग, ओके क्या मिल रहा है? प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4 जो कि मैग, मैक्सिमम लेवल होता है प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, राइट। प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन यूज होता है जो चीज़ मैन मेड होती है उन वो मारे, जैसे कि प्रोटेक्शन मिलता है उनसे, राइट। जैसे कि बॉस, स्केलेटन्स, पिलेजर्स, इन सब के एरो से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है हमें, आई थिंक मेरे हिसाब से।
तो यप कर दूँ। अरे मैंने फायर प्रोटेक्शन ले लिया, व्हाट द हेल, मैंने प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन लिया था यार, और वो सिर्फ और सिर्फ फायर प्रोटेक्शन ही आया यार, वेरी बैड। ओके कोई बात नहीं, इसे डाल लेते हैं, अब हम गॉड बनने की सफ़र में अभी है। ओके 29 लेवल्स है, तो लेवल्स बढ़ाने चलते हैं, रात हो जाए यार जल्दी प्लीज़। कैन यू बिकम रात, कैन यू बिकम रात क्या होता है, थोड़ा सा एनिमल्स मार लेते हैं, उनसे भी एक्सपी मिल जाते हैं। अरे यार को जल्दी रात हो जाए, जल्दी रात हो जाए, मैं ना पॉज ही कर दूँ यार लिटरली, सच में जल्दी रात हो जाए, मैं क्या कर सकता हूँ। चलो माइनिंग करते हैं, तब तक माइनिंग से भी हम एक्सपी कमा सकते हैं। और ये आइडिया मेरे को क्यों नहीं मिला, माइनिंग से भी हम एक्सपी कमा सकते हैं। वैसे मैं इधर जा सकता एक्सपी के लिए, बट डेंजरस, नॉट, आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग देयर। और अलग जगह माइन करेंगे, यहाँ पे मैंने माइन करा है, यहाँ पे माइन करके लाइक ये भी मैंने वॉटर डैश लगाया, तो आई थिंक मुझे इसी तरफ माइन करना चाहिए इसे। 1 2 3 ओके भाई साहब, इतना मेरे पास फायर प्रोटेक्शन है भाई, हेलो यार मैं कैसे माइन करूँ। ओके मैं ऐसे माइन कर सकता हूँ, यहाँ पर लावा बहुत है, मुझे डायमंड्स की कोई जरूरत नहीं फिलहाल, बहुत है डायमंड्स, इतना डायमंड्स काफ़ी है, मेरे पास डायमंड का पूरा एक आर्मर है, आई थिंक उतना ही काफ़ी है, लाइक डायमंड का पूरा आर्मर मोर देन एनफ एंड स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। हाँ नेदरराइट भी बनाएंगे, सब कुछ नहीं है कि मैं दूर भाग रहा हूँ नेदरराइट से, ना वी विल मेक इट, नेदरराइट भी बनाने भाई। ओके आयरन चाहिए, आयरन भी चाहिए, कम आयरन है हमारे पास, आयरन की तो काफ़ी दिक्कत हो रही है मेरे वाले में, नॉर्मल बनने को तो आयरन की दिक्कत ही नहीं होती, जब भी चर्च खोलते हैं 50,000 आयरन हो जाते हैं मिलते हैं, मतलब तुमको मुझे तो एक भी नहीं मिल रहा है, मिलना मुश्किल है मेरे वर्ल्ड में लिटरली। हां तुझे जान जान यार, एक और वेब्स, अब मैं पावर देख रहा हूं, तुम ऐसा मैंने तो चेक ही नहीं करा, डायमंड है ऑफ कोर्स, मजाक नहीं है। ओके यार यहां पर तो पत्थर डाल, अबे पत्थर डाल, मेरे एक्सपी यही का यही का, थोड़ा सा लिटिल भाई थोड़ा सा कूल मिल जाएगा, ओए हो गया मेरे 30 लेवल्स, लेकिन और थोड़े लेवल्स कमा के जाऊंगा, इतना अभी 33 लेवल्स तो पक्का है। आई थिंक मैं सीरियस हूं यार, नो आई एम नॉट गोइंग इन द राइट वे, अच्छा यही पे ही है, अच्छा तो यहीं से मैंने कंटिन्यू कर रहा था, टन 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 टन, ठीक है मेरा प्लान चौपट हो गया।
यस रात हो रही है, अरे सुबह भी होने वाली है, वे गलत टाइम ऑन नहीं हो रहा। हेलो मैं पीसफुल में हूँ क्या? मैं पीसफुल में तो कभी नहीं गया यार, नहीं नॉर्मल में, हार्ड कर दे तो इसे, तब आएंगे। अरे हाँ, अरे सुबह हो गई, मुझे सही टाइम में आना चाहिए था, शट। चलो कोई बात नहीं, तब तक एटलीस्ट हम इनको ये कर लेते हैं एनचैंट, हमारी पैंट को, बूट्स को बाद में कर लेंगे एनचैंट, क्योंकि बूट्स ज़्यादा भी पावर नहीं बढ़ा था, तो यहाँ बूट के लिए ज़रूरत तक नहीं है। ओके ओके, मतलब ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4 ये तो चाहिए चाहिए ना, बहुत खतरनाक है। मुझे ना एक्चुअली ये करना चाहिए तो पहले लेगिंग्स को लूँ, उसके बाद मुझे चेस्ट प्लेट लेना चाहिए था, चाहे तो ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4 भी आ सकता था। नो हो ना, प्रोटेक्शन 2 ब्लास्ट प्रोटेक्शन 1 ऑफकोर्स ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4, बस यही आया यार भाई, चीटिंग करता हो यार। ठीक है ठीक है, बूट्स को भी कर ही लेता रैंडम एनचैंटमेंट से, क्योंकि मैं ये तो नहीं कर सकता। एक और ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4, लेकिन मैं ले नहीं सकता, अनब्रेकिंग 3 ले लेता हूँ इन केस ये टूट ना जाए, अनब्रेकिंग 3 चाहिए। एंड वी आर नाउ कवर्ड विथ डायमंड आर्मर, सब कुछ अब डायमंड आर्मर का हो चुका है गाइस। ये देखना ना मैं कितना, ओह यस, मैंने अपना स्किन नहीं दिखाया ना, एक मिनट अपना स्किन दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली ये स्किन, अब यार मुझे पहले फर्स्ट पोर्शन में जाना होगा, उनको एक ये निकाल दे। अबे क्या मैं स्क्रिप्ट में छा रहा था, अभी सारा प्लान जब उठाने वाला था यार। आगे ये निकाल देते सब, ये नारुतो है, ये नारुतो का स्किन, मुझे नारुतो काफ़ी पसंद है एनीमे, अगर आपने एनीमे देखी हुई है तो तुम्हें पता ही हुआ नारुतो एक काफ़ी फेमस भाई क्या हो रहा था मेरे साथ, मेरा कैमरा ठीक नहीं है भाई। नारुतो देख रहे हो, मेरे पास नारुतो के सारे स्किन्स हैं, अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी और का भी स्किन ले लूं तो बताओ मेरे को, पता नहीं क्या तोड़ रहा हूँ। अच्छा टेराकोटा, ठीक है पहले फर्स्ट पर्सन में, नहीं नहीं 3D intro, यप 3D intro हम भूल नहीं सकते गाइस, वैसे तो 3D intro काफ़ी दिनों से हम कर ही नहीं रहे हाई डूट कर देते। ओके यार आज के लिए बस इतना ही, मेरा माइक ऑन है ना, बस पूरा प्लान तो चौपट नहीं, हाँ माइक ऑन है, मेरा प्लान पूरा चौपट हो जाता है। ओके ऐसे ख़त्म कर देते हैं, मैं मज़ा आया यार, आज हमने फाइनली डायमंड आर्मर क्रिएट कर दिया है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम जाने वाले हैं विलेज ढूंढने, एंड शायद विलेज ढूंढने के बाद वहाँ से हम विलेजर्स को लाएंगे भी यहाँ पे घर में, और मैं एक नया बिल्डिंग क्रिएट करने वाला हूँ वहाँ पे, जहाँ पे आपको जो ज़मीन दिख रही होगी, यहाँ तो नहीं, यहाँ पे कोई क्यों एक घर वगैरह तोड़ दूँगा। एन्चेंटमेंट सेटअप अभी भी है नहीं यार, एन्चेंटमेंट सेटअप वहाँ भरूँगा या पीछे वाली जगह में भरूँगा। मिलते रहो मेरे साथ, गुड बाय। What you giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politics.